आप यहाँ? चुप, भगवान के लिए जरा आहिस्ता बोलिए। नहीं नहीं, आप दरवाजा खोलिए, जाइए यहाँ से। नहीं, मैं तो आप ही के पास आई हूँ। मैं हमेशा आप दोनों की बातें सुनते रहती हूँ। आप देवता हैं, आप मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप ये खत मेरे भैया को लिख दीजिए, ताकि ताकि वो मुझे नर्क से निकाल ले जाए। क्या बात, क्या है? ये दिन रात की गाली गलौज और मारपीट मुझसे नहीं सह जाती। आपका भाई कहाँ रहता है? गोरखपुर में। हम बहुत करीब हैं। भगवान ने जो मुझे पति दिया है, मैं उसी में खुश हूँ। वही मेरे देवता है, मगर वो मुझ पर शक करते हैं। देखिए ना, कल आप लोगों को खाना कहाँ से मिला मुझे कुछ पता नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे कितना मारा। आप मेरे भैया को लिख दीजिए कि वो आकर मुझे ले जाए, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। क्या कह रही हैं आप? देखिए, आपका भाई इतनी दूर है, कब आएगा, कैसे आएगा? आप रोइए मत। देखिए, आपके सामने आपका एक और भाई भी तो है। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब आप पर कभी जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं आज ही घड़ी बाबू से बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो वो और मुझ पर शक करेंगे। मैंने आपको बहन कहा है ना, अब आप ये देखिए कि एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए क्या करता है। आंसू पोंछ लो और जाओ। भाई क्या है? अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, नहीं तो मजबूरन मुझे आपकी दुकान तक आना पड़ता। दुकान तक आना पड़ता? भाई तुम्हारी घड़ी खराब हो गई है तो शहर में बहुत सी दुकानें हैं, मैं तुम्हारी घड़ी की मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी घड़ी खराब नहीं हुई है घड़ी बाबू, आपका दिमाग खराब हो गया है, और उसकी मरम्मत बहुत जरूरी है। क्या बोले? आप मेरी बहन के साथ ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? देखो, मैं तुम लोगों जैसा आवारा और लफंगा नहीं हूँ जो किसी की माँ बहन के साथ ऐसी हरकतें करूँ। बाबा दम देना है तो आहिस्ता बोलो, मेरी स्प्रिंग बड़ी पुरानी है, कट जाएगी। मैं आपकी बीवी के बारे में कह रहा हूँ जिसे मैंने अपनी बहन माना है। ये मुझे नहीं मालूम था। अब मालूम हो गया ना आपको? हो गया, हो गया। देखिए घड़ी बाबू, कितनी अच्छी लड़की है, आपको देवता मानती है, आपकी इज्जत करती है, और आप बिला वजह उस पर शक करते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं। याद रखिए घड़ी बाबू, एक अच्छी और नेक औरत के आंसू आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम आपके जुल्म ने उसके दिलो दिमाग को कहां तक पहुंचा दिया है। वो बेचारी कभी भी खुदकुशी कर सकती है। जी हाँ। ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? इसलिए कि मैं उसका भाई हूँ, आप बिंदु के पति हैं, इसलिए पहली बार आपसे विनती करता हूँ। इस पर भी अगर आप नहीं समझे। बाबा समझ गया। नमस्ते। अगर एक हाथ भी इसका पड़ जाए तो मैं तो रिपेयर के काबिल भी न रहूं। बिंदु!